हेलो, तो मॉर्निंग रूटीन में हम आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने स्किन को अच्छा करने वाला रेमेडी फेस पे लगा लिया है और चाय भी बन रहा है। और ये देखिए, पतिदेव भी अपने काम में लग गए हैं। तो ये हमारा सुबह सुबह का सबसे पहला रूटीन है। तो आज मैं कुछ स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। है तो बहुत कॉमन, सर्दियों में सबका फेवरेट और मेरा भी फेवरेट है। और मुझे उस सब्जी के लिए तो कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो देखते हैं किस तरीके से मैं बनाती हूँ और गपशप तो हमारी एज यूजुअल चलती रहेगी। गुड मॉर्निंग। ये क्या कह रही थी कि इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता है इस सब्जी के लिए? इसको खुद से कॉम्प्लीमेंट मिलता है, खुद की तारीफ करती रहती है। अच्छा बनाती है बट खुद से तारीफ करती रहती है, अभी देखना ही है। तो गोभी की सब्जी बनाने के लिए, जैसे आपने देखा, मैंने पत्ता गोभी को चॉप करवा लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 आलू। आप चाहें तो बॉइल्ड भी डाल सकते हैं, बट मैं ये कच्चा आलू डाल रही हूँ जिसको मैंने पील करके कट कर लिया है। और है ये 1 टमाटर और थोड़ी सी अदरक और ये 4 से 5 कली लहसुन है और 3 से 4 ग्रीन चिली। अगर आप तीखा खाते हैं तो 3 से 4 ले सकते हैं, नहीं तो 2 ले सकते हैं। और ये है ग्रीन कच्चा मटर, जो कि मैंने 15 से 20 मटर को पील कर लिया है। तो कढ़ाई को गरम करने के बाद मैं इसमें सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ और बहुत छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा। और टमाटर अदरक जो मैंने काटा था तो 2 से 3 मिनट में इसको अच्छे से अभी भूनूंगी। दो तीन मिनट के बाद अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। तो मटर डालने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी जिससे मटर भी बहुत अच्छे से पक जाए। तो देखिए ये मटर कितना फूल गया है अच्छे से, ये थोड़ा सा अच्छे से पक भी गया है। अब मैं इसमें डालूंगी आलू और पत्ता गोभी। और मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। तो मैं छोटी चम्मच से मैंने 1.5 चम्मच डाला है और छोटी चम्मच से 1 चम्मच हल्दी। तो मैं अभी इसे और कुछ भी मसाला नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। ऐसे दोस्तों, पता है आपको, कैबेज जो है ये बहुत ही हेल्दी होता है। ये हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कैंसर से फाइट करने में हेल्प करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखता है, कंट्रोल रखता है। तो है ना, ये बहुत ही गुणकारी सब्जी और सर्दियों में ऑफ कोर्स हर किसी का फेवरेट होता है ये। जैसे कि मेरा पत्ता गोभी, तो आई लव पत्ता गोभी और पराठे मिल जाएं तो और कुछ चाहिए नहीं होता है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्लेम को मीडियम करके ढक के पकाऊंगी और थोड़ी थोड़ी देर पे पकाती रहूंगी। 5 से 7 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बन चुका है और आलू भी गल गया है बहुत अच्छे से। तो अब मैं इसका ढक्कन नहीं लगाऊंगी और मैं छोटे चम्मच से 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। पत्ता गोभी की सब्जी जितना कम मसाला में बने उतना टेस्टी लगता है, बस इसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप भूनें। तो मैंने जैसे देखा, नमक हल्दी और साबुत जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि मैं अब इसको 3-4 मिनट और अच्छे से बिना ढक्कन के भूनूंगी फिर उतार दूंगी। बस इतने मसाले में ही ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। तो
देखो ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने सब्जी बना ली है, अब मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ। मैंने इतना टाइम यूटिलाइज किया अच्छे से, चाय बना रही थी फिर सब्जी बना लिया क्विकली। और बिजी बी को देखिए, और आज का तो अभी का तो मैंने ये वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ, और आज मैं कुछ शॉपिंग करने वाली हूँ। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मैं क्या शॉपिंग करने वाली हूँ और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।